तवांग न्यूज़ 24/7 में हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं AK श्रीवास्तव, आज राज्य और जिले के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आज सुबह मोम्पा मीमांसकपा के सेक्रेटरी जनरल नामगे सिंह के नेतृत्व में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवोकेट पेमा सेवांग, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन लाम दोर्जी, सेक्रेटरी ओमेन एडवोकेट थुपतेन लामू, ट्रेजरर कुंचो सिंह ग्यामो, चीफ ऑडिटर नवांग चोटा और ऑफिस सेक्रेटरी रिंचिन नरबू शामिल थे, ने आज तवांग विधायक सिंह तासी से उनके आवास पर मुलाकात की और विधायक के साथ विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की। बोमडिला पुलिस ने बोमडिला PS के संख्या 52/21 अंडर सेक्शन 20A/21B/27/29 NDPS एक्ट के अंतर्गत बोमडिला के मुख्य ड्रग पेडलर और अन्य दो लोगों को, जब वे लोग एक पहले से प्राप्त ऑर्डर की डिलीवरी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान उनसे भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं, हेरोइन और सिरिंज बरामद की गई, साथ ही दो कारों को भी जब्त किया गया। सभी को विशेष न्यायाधीश बोमडिला के समक्ष पेश किया गया और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उनमें से एक IRBN का सिपाही, एक कॉलेज का छात्र और एक ड्राइवर है। इससे पहले 2020 में उनमें से एक, जो IRBN का सिपाही और एक ड्राइवर है, दोनों को NDPS के दो अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर चार्जशीट किया गया था। अभी भी उन दोनों पर मुकदमा चल रहा है। कल DIPR निदेशक के कार्यालय कक्ष में आगामी पूर्वोत्तर साहित्य महोत्सव 2022 के संबंध में चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें DIPR अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश साहित्य समिति ईटानगर के वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में प्रख्यात लेखक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित YD थोंगची ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ लेखक जो नेफा के दिनों से लिख रहे हैं, उन्हें NELF 2022 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के जिन लेखकों ने राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर लिखा है, उन्हें एक मंच प्रदान किया जाना चाहिए। थोंगची ने सुझाव दिया कि जनजाति लिपियों और प्रेमर्स के लेखकों को निरपवाद रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के उभरते कवि और लेखक को भी महोत्सव में भाग लेने की सिफारिश की। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिष्ठित लेखकों को NELF 2022 में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। इस बैठक में ओसुंग इरिंग, बानी दंगन, एन लोगो, वांगफा लुआंग, ताजम अबो और अन्य वरिष्ठ लेखकों को सम्मानित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। NELF 2022 का आयोजन DIPR और APLS ईटानगर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब आज के कोरोना समाचार। जिला निगरानी समिति तवांग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज जिले में कुल 8 नमूने संग्रहित कर उनका परीक्षण किया गया। एक नमूने की जांच ट्रूनेट से और 7 नमूने की जांच RAT द्वारा की गई और सभी नमूने निगेटिव पाए गए। अब जिले में कुल 4 कोरोना संक्रमण के मामले सक्रिय हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन भारत में आ चुका है। प्राप्त सूचना अनुसार आसाम में भी इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अभी तक के रिसर्च के अनुसार यह वेरिएंट काफ़ी तेजी से लोगों को संक्रमित करता है, अर्थात फैलता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप लोग पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने और अपने परिवारजनों को संक्रमित होने से बचाएं। इसी में पूरे समाज की भलाई है। इन्हीं खबरों के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल कुछ नए खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि।